अमृतसर पेज न्यूज़ पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। आज अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम आ पहुंची है परम पूज्य माता लाल देवी जी के मंदिर। अगर सावन के महीने की बात की जाए तो दो महत्वताएं हैं जो सावन के महीने की बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। पहली तो ये कि जो सावन का महीना होता है वो भोले बाबा जी को, भोलेनाथ जी को अर्पित होता है, और दूसरा ये कि इसी महीने में माँ चिंतपूर्णी जी का मेला भी आता है। और अगर माता जी की बात की जाए तो माता लाल देवी जी को चिंतपूर्णी माता जी का स्वरूप भी माना जाता है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो माता जी के भक्तजन हैं उन्होंने उनकी धरोहर को कितनी अच्छे तरीके से संभाल के उनके प्रेम को समेट के रखा हुआ है। और यहाँ पे सावन का महीना बहुत अद्भुत तरीके से मनाया जा रहा है। माता जी को जो झूले हैं, पींगे हैं, वो झुलाई जा रही हैं और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार यहाँ पे माता जी का किया गया है। वैसे तो माता जी के स्वरूप की अगर बात की जाए तो वैसे ही बहुत अद्भुत है, पर वो जो सावन का श्रृंगार है वो उनके स्वरूप में चार। अब हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और दर्शन करा रहे हैं माता जी के। कितना अद्भुत यहाँ पे श्रृंगार किया गया है माता जी का। वैसे तो माता जी का स्वरूप वैसे ही बहुत सुंदर है, पर ये मोहड़ी के जो पुष्प है वो उनके श्रृंगार में, उनके रूप में और चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अलौकिक श्रृंगार यहाँ पे माता रानी का किया गया है। और अगर हम संगतों की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी संगत बहुत ही खुशी में नाच रही है, झूम रही है। जो लेडीज है वो कितना ज्यादा इंजॉय कर रही है। यहाँ पे सावन बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जा रहा है। अब मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे लेडीज की तरफ कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे जो सावन है वो मनाया जा रहा है। जब माता जी यहाँ पे उपस्थित थे तब कैसे सावन मनाया जाता था? बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। माता जी का सारा श्रृंगार ऐसे ही होता था जैसे ये आज कर रहे हैं, वही माता जी की मर्यादा चला रहे हैं। जैसे माता जी खुद थे ऐसे ही भजन होता था, सब नाचते थे, सब झूमते थे। सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी भक्त हैं सब भक्ति और प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। अब हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामनी है। माता जी ने जो पहनना होता है ना वो वही पहनते हैं। हाँ, मैं एक चीज को 10 बार भी करें तब भी वो अगर नहीं पहना तो वो एक मतलब तोड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं। वो वही पहनते जो उनको। कई बार हम अलमारी से कोई सेट हमने देखा भी नहीं होता तो वो जब पहनना होता है तो वहाँ से पता नहीं कैसे निकल आता है और हम हैरान हो जाते हैं देख के कि ये कहाँ से आ गया है। हाँ, ये उनकी लीला है। ये माता जी को कोई साड़ी हमने माता को पहनाई है वो साड़ी घूमती हुई रह जाती है, वो बंधती नहीं, दूसरी निकालते हैं तो बंधती है, जो उनकी मर्जी है। करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि है। माता चिंतपूर्णी अवतार है। जो मांगो सो मिलता है। शुरू से ही मुझे माता जी उनकी जो कृपा किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। माता जी की कृपा से माता जी को स्नान कराती थी, भोजन बनाती थी, माता जी को कपड़े पहनती थी, माता जी का श्रृंगार करती थी। अब तो चलो हो गया ना,
माता जी चले गए है तो यही है, वो जो मांगो सो मिलता है। अब भी उनकी प्रेरणा से हम कुछ नहीं करते, जो मांगो मिलता है, माता जी ये काम हो जाए उसी समय हो जाता है। मैं अब आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि माता जी के बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भक्त हैं उनको और बताएं, वो कैसा भोजन करते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी? हाँ, वो ना व्रत वाला भोजन करते थे, वो अन्न नहीं खाते थे सारी जिंदगी, अन्न नहीं गया, धन उनकी शक्ति जाए। हम लोग एक दिन रातें रखते हैं ना तो आगे जाके बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है, उनकी शक्ति से ये नवरात्रे वाले वो खाते हैं सारी जिंदगी, उन्हें अन्न नहीं खाए, अब भी नहीं खाते, वो ही खाते हैं, जो कुछ करते वही करते हैं। जो उनके लिए भोजन बनता है, भोग बनता है, क्या उसमें भी अन्न का प्रयोग किया जाता है या नहीं? नहीं, अभी भी किसी के प्रयोग। बहुत ही अच्छा लगता है, जो भक्त हैं वो जो अपनी गुरु हैं उनकी सेवा में अभी भी उपस्थित हैं, और उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी उसके बारे में प्लीज बताएं। उनके चरणों में जाएंगे, हर जन्म जाएंगे, हमारी यही प्रार्थना है, हम मर भी गए तो इनके चरणों में जाएंगे। अब हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल जुड़ चुका है। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम मधु। आपका क्या नाम? रघुराज। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या आपका ये पहला सावन है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये मेरा पहला सावन। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे माता जी के साथ सावन मनाने? ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, और ये सब मतलब मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए सब ये क्रेडिट आई है मेरे मम्मा, क्योंकि ये मतलब इतना प्रेम करते हैं माता जी को, और जो मुझे आज इतना 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 प्रेम मिल रहा है वो सिर्फ मेरे मम्मा के कारण, ठीक है? और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।